फ्रेंड्स, मैं हूं चिंतन। आप देख रहे आइडियाज फॉर एक्स्ट्रा इनकम। मैं एक मिशन पे हूं। मैं चाहती हूं हर औरत इंडिपेंडेंट हो और खुश रहे। अगर आपका साथ रहा तो हम ये मिशन साथ में मिलके पूरा करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में भी चाहते कुछ कर दिखाने की। तो आज हम बात करेंगे ज्वेलरी के बारे में। बिजनेस कैसे की जाती है, कौन सी स्ट्रेटेजी से बिजनेस आगे बढ़ाया जा सकता है। ज्वेलरी का डिमांड बहुत है मार्केट में, इवन पूरे वर्ल्ड में ज्वेलरी को बहुत डिमांड है। हर फेस्टिवल्स में, हर ओकेजन्स पे ज्वेलरी सब लोग मोस्टली परचेज करते हैं। इवन मैचिंग ड्रेस के ऊपर भी ज्वेलरी सब लोग परचेज करते है। में इंटरेस्ट है ज्वेलरी का थोड़ा बहुत, आपको ज्वेलरी बनाना अच्छा लगता है, तो आप ज्वेलरी का बिजनेस जरूर स्टार्ट करिए, क्योंकि ज्वेलरी के बिना औरत का श्रृंगार अधूरा है। ज्वेलरी से ही हम लोग खिल के उठते हैं। जब आप ये लाइन में आएंगे तो ज्वेलरी की लाइन में बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन है। आपको कुछ हट के डिजाइन सोचनी होगी, कुछ यूनिक सोचना होगा जो मार्केट में कम अवेलेबल है, तो आपको डिजाइन के बारे में बहुत ही सोचना होगा। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है और आप ये बिजनेस कैसे आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे मैन्युफैक्चरर्स जो ज्वेलरी को बनाते हैं, दूसरे नंबर पे होलसेलर्स और रिटेलर्स जो छोटे छोटे दुकानों में बेचते हैं, और रिटेलर्स भी उनसे लेके बाहर सेलिंग करते हैं। दूसरा एक तीसरा नया मार्केट आ गया है ऑनलाइन का, जो होलसेलर्स, रिसेलर्स और रिटेलर्स से लेके आगे सेल करते हैं। होने के बाद आपको ब्रांडिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, नीश डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन से प्रोडक्ट में आपको जाना है। आप गोल्ड, सिल्वर, इमिटेशन सब साथ में नहीं कर पाते। सपोज आप सब कुछ साथ में कर पाएंगे तो आपके ब्रांड को मार्केट में पॉपुलर होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो एक आप नीश सिलेक्ट करिए, जैसे कि आज हम बात करने वाले इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में। तो इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर आप डिसाइड करिए, ब्रांडिंग करिए और उसकी नीश फाइनलाइज करिए, ताकि आपको आगे जाके बिजनेस में कंपटीशन में आप प्रॉपरली उनके साथ खड़े हो सके। तो अच्छा रहेगा एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप उसे मार्केट में अच्छी तरह से अपना नाम बना पाए। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो आपको कुछ यूनिक डिजाइन सोचनी होगी, कुछ आइडियाज सोचने होंगे कौन सी ज्वेलरी आप मार्केट में लाए, ताकि आपका बिजनेस अच्छी तरह से चले और आपकी ज्वेलरी को भी काफी डिमांड मिले, आपको भी अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहे। तो कुछ अलग सोचिए, डिजाइंस भी अच्छी तरह से आप बनाइए, ताकि आपके पास लोग आके ज्वेलरी की डिमांड करें और आपको ऑर्डर्स मिलते रहे। मार्केट में आने के लिए आपको प्राइसिंग के बारे में सोचना होगा। कॉम्पिटिशन बहुत है, कंपटीशन को फेस करने के लिए आपके प्राइस को रीजनेबल होना जरूरी है। रीजनेबल होगी तो आपके ब्रांडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, और आपके जो कस्टमर्स है वो भी आपको प्राइसिंग के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और आपके पास से काफी सारी शॉपिंग करके भी वो जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके प्राइसिंग मार्केट से रीजनेबल होने चाहिए, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे आपके पास ज्वेलरी काफी कॉस्टली मिल रही है। तो खुद का ब्रांडिंग भी आपको मेंटेन करना है और आपकी प्राइसिंग भी आपको रीजनेबल रखनी है। अगर आप ये बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे भी सब जगह पे एक्टिव रहना होगा, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पे आपको आपकी ब्रांडिंग करनी होगी, ताकि लोगों को पता चले आपके प्रोडक्ट के बारे में। आपको वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी, वहाँ पे भी आप ब्रांडिंग करिए। आपकी जो ब्रांडिंग आपने जो नीश डिसाइड की है उसकी आप वेबसाइट बनाइए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो आपके प्रोडक्ट के बारे में। एक चीज आप ध्यान रखिए, जो भी आप ना फोटोग्राफ्स भी वहाँ पे रखिए, और जितने भी ज्वेलरी आप जो भी ज्वेलरी के आप फोटोग्राफ्स रख रहे उसके बारीक से बारीक डिटेल भी वहाँ पे दीजिए, ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट को समझने में आसानी हो। छोटी छोटी बारीकी आप ध्यान रखिए, क्या क्या चीजें आपको, मतलब कितनी क्या साइज है इयररिंग्स की, कौन सी प्रोडक्ट है, क्या आपने यूज किया है, पूरे डिटेल की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे वेबसाइट पे रखिए, ताकि लोगों को परचेज करने में आसानी हो।
इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से लोग परचेज भी करते हैं, लेकिन सपोज आपकी वेबसाइट पे कोई आता है और उन्हें कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी तो डेफिनेटली वो आपकी साइट से परचेज करेंगे। आप कस्टमर से फीडबैक भी ले सकते हैं। फीडबैक के लिए कोई मना नहीं करेगा, ये आपके लिए आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो फीडबैक आएंगे उसके जरिए आप आपके प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। आप टेस्टिमोनियल्स भी ले सकते हैं लोगों को और वो आप वेबसाइट पे भी रख सकते हैं। छोटे छोटे आपके जो प्रोडक्ट है उसके आप वीडियो भी बनाइए और लोगों को भी दिखाइए ताकि उन्हें भी पता चले ये क्या प्रोडक्ट है, पूरी डिजाइन वीडियो में भी दिखती है। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए, टेस्टिमोनियल्स, वीडियो बनाना, फीडबैक लेना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और सब अपलोड सब कुछ आप डिटेल वेबसाइट पे भी रख सकते हैं। आपके रिलेशन कस्टमर के साथ कैसे है, होलसेलर्स के साथ कैसे है, किस तरह से आपने आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की है, जैसे कि एक्सचेंज पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, ये सब कुछ आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे होंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को भी रेफर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आप रिलेशन सबके साथ बनाए रखिए तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है ये वीडियो में आपको ज्वेलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की। अगर आपको ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप जरूर स्टार्ट करिए। आपने सपना देखा है बिजनेस स्टार्ट करने का, उसे पूरा करिए ताकि आगे जाके आपको पछतावा ना हो कि आपने कुछ भी नहीं किया। आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।